अस्सलाम वालेकुम। ये मस्जिद है फलकनुमा है, जहाँ पर तामीराती काम चल रहे हैं। आप देख सकते हैं बुजुर्ग भी यहाँ पर है, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ना है यहाँ पर, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक बुजुर्ग भी आए हैं। यहाँ नौजवान तबका ज़्यादा है जो रजाकाराना तौर पे अपने काम अंजाम दे रहा है। आप हमारे अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम अरहमतुल्लाह। अख्तर साहब, क्या ज़रूरत है यहाँ पर? और यहाँ पर काम करने वाले बच्चों की बहुत ज़रूरत है। कल इतवार का दिन है, अगर पूरे बच्चे कॉलेजेस के जो काम करने वाले बच्चे अगर पूरे यहाँ पे आए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हमारे भाइयाँ काम कर रहे हैं, कोई लेबर काम नहीं कर रहा। अल्लाह करम से अगर पूरे अगर आके अगर कहीं रास्ते बनाना है और काम है, कलर का काम है, साफ़ सफाई का काम है, बाजू रूम की साफ़ सफाई का काम है, रास्ते बनाने का काम है, अगर सब जने अगर यहाँ पे आके हाथ बटाए तो अल्लाह घर के लिए सवाब भी मिलेगा इंशाल्लाह। आप लोग आए तो मस्जिद भी चालू हो जाएंगी। गुजारिश कर रहा हूँ तमाम मेरे नौजवान भाइयों से जो यहाँ पर तशरीफ लाएँ, कल इतवार का दिन है तो सुबह से अगर आ गए तो अपन बहुत काम कर सकते हैं। गुजारिश कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी आइए। लेकिन मेरे मौला, तेरे ही बंदे नौजवानी के आलम में, ये आलम तो ऐसा होता है कि नफ्स गुनाहों की तरफ ले जाता है। ये जवानी का जो आलम होता है, ये शैतान को भी पसंद है, ये आलम इंसान को भी पसंद है, ये आलम अल्लाह को भी पसंद है। जो इंसान ये उम्र में दीन की खिदमत कर लेता है तो बरदे कयामत में जो लोग ज़ईफ़ होंगे वो भी सोचेंगे काश हम भी इनकी उम्र में अल्लाह के घरों को आबाद कर देते। आज हैदराबाद दक्कन में कई ऐसे मुकामात हैं जहां पर मस्जिदें वीरान पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ये हमारा पहला मिशन, ये हमारी पहली मस्जिद है जो हम आबाद करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहेगा हैदराबाद दक्कन में जहां जहां पर जितने मस्जिद आबाद है, एक वक्त आएगा हर मस्जिद आबाद होगी।